नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः सवाई। अब विवेक को परिभाषित करते हुए आदिशंकर कहते हैं कि विवेक क्या है। यह बोध हो जाना, यह जान लेना कि आत्मा, मेरी जो आत्मा है वह एकमात्र नित्य वस्तु है, नित्य पदार्थ है, नित्य तत्व है। इसके विपरीत जो दृश्य है वह अनित्य है, वह माया है, वह नश्वर है, निस्सार है। इसका तुम्हारी बुद्धि में प्रगाढ़ता से बैठ जाना ही विवेक है। अब इसी में वेदांत का सबसे मूल सूत्र, इसी को स्पष्ट करने में कई दिन लगेंगे, और क्योंकि साधना इसी से प्रारंभ हो जाएगी। यहीं पर देखिए, वेदांत में कहने के लिए अधिकारित्व तो कह रहे हैं केजी नर्सरी का, लेकिन मुमुक्षा प्रगाढ़ होगी वहीं पर घटना घट जाएगी। अधिकारित्व तो का भी सुनोगे घट जाएगी घटना, इसी में पूरा वेदांत है। यहां पर कैसे, दो शब्द हैं नित्य और अनित्य, इन्होंने परिभाषित कर दिया। और नित्य को जानना ही आत्मबोध है, नित्य को जानना ही मोक्ष की कुंजी है, और अनित्य से निवृत्ति, अनित्य से त्याग, अनित्य का संन्यास, यही तो है सरल सहज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैत वेदांत में सर्वत्र यही है, उपनिषदों में, भगवद गीता में, ब्रह्म सूत्र में, कि नित्य का वर्ण करना, अनित्य का त्याग करना, वैराग करना। तो भाई महाराज जी, नित्य सुना सुना है, नित्य है क्या, नित्यानंद स्वामी है क्या, नित्य शब्द है क्या, ये नित्य है का तत्व क्या है। नित्य एकमात्र तत्व है और नित्य विद्यमान है। नित्य कैसे जानेंगे, शब्द नहीं है वो, तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है। आम जिस प्रकार से आम शब्द आम नहीं है, गाय शब्द गाय नहीं है, भैंस शब्द भैंस नहीं है, दूध घी शब्द है दूध घी नहीं है, उसी प्रकार से नित्य शब्द या आत्मा शब्द आत्मा नहीं है, वो पदार्थ क्या है। उस पदार्थ का दर्शन करेंगे आज और यह। लेकिन आपका अगर किसी कारणवश, दुर्घटनावश, अगर पाखंड के कारण आए होंगे आनंद लेने, केवल आनंद लेना बुरा नहीं, आनंद की तो खोज है, लेकिन थोड़ी भी मुमुक्षा होगी और ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा तो आपको झलक जरूर मिलेगी, उस नित्य तत्व का दर्शन जरूर होगा निधि ध्यासन में। तो ये सूत्र कहां से आता है, उस सूत्र को बताता हूं और फिर उस पर निधि ध्यासन करेंगे। वह मूल सूत्र है जिसको कह रहे हैं कि नित्य और अनित्य का भेद जानो, और अनित्य का विसर्जन करना है और नित्य में प्रतिष्ठित होना है। तो नित्य तो हमारे लिए एक शब्द मात्र है, अब उस तत्व को जानेंगे यहां और अभी। साइंटिफिक न कल्पना, विश्वास का कोई स्थान नहीं यहां पर वेदांत में। उस वस्तु को यहां परिभाषित करने जा रहा हूं, बता रहा हूं, और आप किसी समाधि में जाओगे, उससे गहरी समाधि, ध्यान से आप पूरी अलर्टनेस के साथ अपनी समग्र ऊर्जा को एकत्रित करके उसे समझे पहले, तत्काल वह तत्व दिखेगा आपको। यह करके वह सिद्धांत समझे पहले, अद्वैत वेदांत का जो सबसे मूल सूत्र है अद्वैत वेदांत को समझने के लिए, वह सूत्र यह है जिसे यहां दूसरे सूत्र के रूप में रखा इन्होंने, श्लोक अलग। बीच बीच में मैं रुकूंगा कहीं कहीं, एक दो मिनट, आप दूसरी यात्रा पर निकल रहे हैं, अंतर की यात्रा पर, आप शब्द पर मत ध्यान, अपने आप भी आंख बंद करके अंदर जाने की कोशिश करना, मौन होकर के उस मौन का आनंद लेना। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्ववेदांत निर्णयः सर्ववेदांत निर्णयः। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति, दृक् अर्थात देखने वाला, अर्थात देखना शब्द यहां शाब्दिक देखना पंचेंद्रियों से होता है। वेदांत दर्शन में बता चुका हूं कि देखने का कार्य पांचों इंद्रियां करती हैं, मन भी करता है। तो देखने का
अर्थ है यहां पर जानने वाला, बोध करने वाला, अनुभूति करने वाला। आप अभी बताओ कि क्या आपके अंदर जीवन में कब वह जो ऐसा क्षण आया जो आपके अंदर जानने वाला, देखने वाला, बोध करने वाला, अनुभूति करने वाला नहीं था। ये शब्द अलग अलग है, तत्व एक है। जानने वाला, अनुभूति करने वाला, बोध करने वाला तत्व एक है, वही नित्य तत्व है, वही ब्रह्म है। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, समस्त वेदांत का जो अंतिम निर्णय है वह यह है कि जो देखने वाला अर्थात जो जानने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दृश्य है अर्थात जो इंद्रियों का विषय है जिसे देखा जा सकता है वह माया है, वह माइक है अर्थात कल्पित है, मिथ्या है, मन की कल्पना है, मन सृजित है। यहां हमारे जीव के जीवन में माया मन के रूप में कार्य करती है। जब गहन निद्रा में आप जाते हैं तो मन, बुद्धि और इंद्रियां सब विलीन हो जाती हैं, तो क्या अनुभव करते हैं? कुछ अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अनुभव नहीं करते हैं इसका जो वहां साक्षी दृष्टा, जो गवाह रहता है, वही साक्षी चैतन्य है, वह शाश्वत दृष्टा है, और वही ब्रह्म है, और यहां भी है, अभी भी है, और सदा आपके अंदर था। उस पर कैसे संदेह करोगे? और वही तुम हो, वह तुम्हारा जो मैं कहता है, मैं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सोचा, उसका जो मैं है वह जीव शरीर से तादात्म करके अंधकार में, बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन जब ज्ञान होते ही पता चलता है कि वहां मैं नाम का कोई अंग नहीं है, जब कोहम कोहम का अनुसंधान करते हैं कि मैं कौन हूं, वहां जाकर के शुद्ध बुद्ध मुक्त जो शाश्वत दृष्टा है, साक्षी चैतन्य है, ब्रह्मा से लेकर कीट कोटरे, अरे मनुष्य की तो बात छोड़ो, मक्खी मच्छर में भी वह ब्रह्म जो देखने वाली सत्ता है, जब उस आपके हाथ पर मक्खी बैठती है, मच्छर बैठता है, उसे आप पकड़ने जाते हो, भाग जाती है, वह ब्रह्म सत्ता ही है, वो बोध कराती है। उसके अलावा वेदांत वेद्य ब्रह्म कोई और नहीं है। वह उसका न जन्म है, न उसकी मृत्यु है, और उसमें कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं, अजन्मा शाश्वत तत्व है। वही आनंद का अनंत भंडार है, वही परम प्रेसी है, वही परम परमात्मा है, वह स्वतः मुक्त है, उसमें कोई बंधन नहीं है। समस्त अज्ञान उसी में कल्पित है, समस्त दुख उसी में कल्पित है, अर्थात दृश्यमान करके उस पर आरोपित माया जनित जो दृश्य है ये सब मिथ्या है। मेरी पत्नी दृश्य है, मेरा पुत्र दृश्य है, मेरे माता पिता दृश्य है, मेरा मित्र दृश्य है, मेरे शत्रु दृश्य है, संपूर्ण जगत दृश्य है, संपूर्ण जगत दृश्य है। इसलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो देखने वाला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बड़े शब्द लगते हैं, वो ब्रह्म कहां है और जगत मिथ्या, यहां पर आओ, यहां यही ब्रह्म है, यही जगत है। जो तुम्हारे अंदर देखने वाला है वह ब्रह्म है, वह दिख नहीं रहा है, वह क्योंकि वह देख रहा है, दिख नहीं सकता है क्योंकि वह देखने वाली सत्ता है। सृष्टि में तुम बताओ कि किसी की आंख ने अपने आप को देखा है क्या? देखने वाला स्वतः को नहीं देख सकता है, और वह स्वयंभू दृष्टा है। इसलिए वह जिसे देख रहा है वह उसी में कल्पित माया का क्षेत्र है। जिस पर इसके उदाहरण समझो, अब यह लगेगा कि ये बड़े बड़े शब्द ब्रह्म और माया प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, कैसे वह एक चैतन्य तत्व जो ब्रह्म जो देखने वाला है वह जगत कैसे बन गया, प्रतिदिन बन रहा है तुम्हारे जीवन में। जब रात में सोने जाते हो, थोड़ी देर गहन निद्रा आती है, फिर स्वप्न देखते हो, जब स्वप्न देखते हो तो बताओ एक कमरे में अपने बिस्तर पर रहते हो और पहुंच जाते हो जुहू बीच, मुंबई पहुंच गए,
गोवा बीच पहुंच गए, मरीना बीच पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, रूस पहुंच गए, न्यू दिल्ली पहुंच गए, कनॉट प्लेस पहुंच गए, वायुयान देखते हो आसमान में, क्रूज देखते हो, तुम तो तुम्हारा मन, तुम्हारा छोटा सा बेड, तुम एक आदमी हो। और कभी कोई प्रेसी मिल गई, कोई भी प्रियतम मिल गया, कोई दुश्मन, ये सब कहाँ से सृजित हुए, किसने सृजित किया? तुम्हारे मन के अलावा कोई सत्ता वहां ऊपर उपस्थित थी क्या, है क्या? जिससे लड़ते झगड़ते हो स्वप्न में, वह कौन था? वह तुम थे, अर्थात तुम्हारा मन था ही, वही तुम्हारा मन ही वहां शत्रु बना है, तुम्हारा मन ही वह प्रेसी। स्वप्न जब देखते हो, कोई प्रेसी दिखी, सुंदरी दिखी या सुंदर पुरुष दिखा, जिससे तुम आकृष्ट हुए, वहां पर क्षण भर के लिए लगा कि क्या मिल जाता, जब स्वप्न टूटता है, वहां पर वह प्रेसी और प्रियतम कौन बना था? तुम बने थे, तुम्हारा मन सृजित कर दिया था, उसके अधिष्ठान अपने प्रिय और अप्रिय के तुम ही थे, तुम्हारे मन ने सृजित किया था। चूंकि मन ही माया, माया का जीव के अंदर कार्यरत तत्व है, इसलिए अन्य किसी की उपस्थिति न होने हमारी अनुभूति का सत्य है। लेकिन उस स्वप्न की अवस्था में मैं चैत और मन अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन जो प्रकाशित होता है वह चैतन्य से प्रकाशित होता है। तो जब स्वप्न में सक्रिय मन रहता है तो विक्षेप के द्वारा स्वप्न जगत निर्मित कर देता है। जागृत अवस्था में वही अविद्या मन, ये जागृत, जागृत और स्वप्न में बिल्कुल कोई भेद नहीं है अद्वैत वेदांत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना, गहराई में समझना कि अच्छा अभी जो ये मकान देख रहे हैं, दुकान दिख रहे हैं, ये शहर देख रहे हैं, क्या ये भी नहीं। इसका गहरे अर्थों में तात्पर्य है कि इसका जो और ये अनुभूति अभी होगी और निर्विकल्प समाधि का अभिष्ट यही है कि ये जो कुछ भी सत्य तुम्हें दिख रहा है, ऋषिकेश है, ये दिल्ली है, ये भारत है, अमेरिका है, जो कुछ भी है, जब तुम सम्यक विधि से मुमुक्षु होकर के और श्रवण मनन निधि ध्यासन की विधि से जब समाधि में जाते हो, जहां मन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, टोटली डिजेबल्ड, वहां पर उसी के लिए तो वही तो परम तत्व की, और परम तत्व जो नित्य विद्यमान है, जो शिव है, घटना क्या घटी व्यवहारिक अर्थों में? मैंने अपने इंद्रियों को बाहर से रोक लिया, मन को बाहर से रोक लिया, संकल्प किया कि अब चलते हैं, गुरु ने, शास्त्र ने जो बताया उस विधि से, कि देखने वाला जो तुम्हारे अंदर जो दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्ववेदांत निर्णय है, अब चल रहे हैं उस ब्रह्म को देखने, ब्रह्म से मिलने, जो हमारे अंदर देखने वाला, जानने वाला, अनुभूति करने वाला, जिसे सबको जो जानता है और वही एक जानने वाला ही सबको जानता है, तो उसे कौन जानेगा? प्रश्न करो, उसे वह स्वतः जानेगा, उसके अलावा किसी के पास जानने की क्षमता नहीं है। सबके सब जड़ हैं, शरीर, तुम शरीर को जानते हो लेकिन शरीर तुम्हें जानता है? कहे प्रश्न पूछो अपने अंदर, अंदर अनुसंधान करो अभी, तुम शरीर को जानते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हें जानता है? यह प्रश्न करो, जिसे मैं कह रहा हूं, मैं जो बोलूंगा अपने संदर्भ में, आप भी वैसे अनुसंधान करिए। चले अब चलते हैं अपने केंद्र पर। क्या कभी मेरे शरीर ने भी मुझे जाना? पूछो ये प्रश्न, असंभव है। मैं अपने शरीर को जानता हूं, गोरा है कि काला है, गंदा है, साफ है, स्वच्छ है, अस्वस्थ है, कैसा है, मैं तो जानता हूं। लेकिन मैं जिसे मैं कह रहा हूं, क्या मेरा शरीर मुझे जानता है? असंभव, मेरे बारे में तो मेरा शरीर कुछ नहीं जानता है। चलो कोई बात नहीं, इंद्रियां, मेरी आंख मुझे जानती है कि मैं आंख को जानता हूं? ये प्रश्न करो गहराई में। यही करने में एक दो महीना लगता है ये जानने में, लेकिन गहराई में ये समझो, क्या मेरी आंख, मेरे कान, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंचेन्द्रियां, जिनसे बोध होता है, जिसे कहता हूं ज्ञानेन्द्रिय, शब्द का बोध होता है कान से, रूप का बोध होता है आंख से, रस का बोध होता है जिह्वा से, गंध का बोध होता है नाक से, स्पर्श का बोध होता है त्वचा से, जो पंचेन्द्रियां हैं,
क्या ये मुझे जानती हैं? मैं यहाँ पर जो जानने वाला जो हूँ, सब प्रतिदिन जान रहा हूँ, यहीं पर बैठे बैठे जान रहा हूँ कि आनंद उत्सव आश्रम में बैठा हूँ, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आत्मबोध शिविर, ये अभी जो जानने वाला यहाँ जो है, वह जो जानने वाला, उसे क्या ये इंद्रियां, तुम्हारा कान सुन तो रहा है शब्दों को, क्या क्या तू, वह जो तुम्हारा मैं है, वह कान को और कान में आने वाले शब्दों को जान रहा है कि कान और कान के शब्द मैं को जान रहा है? ये प्रश्न पूछो अभी यहीं। कान और कान के शब्द मुझे नहीं जान सकते, मैं जान रहा हूं कान को। स्वामी सच्चिदानंद आपकी आवाज कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, कब अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हो, कब संस्कृत के बोल रहे हो, ये मैं, मेरे अंदर का मैं है, वह जान रहा है बुद्धि के उपकरण से। मेरी इंद्रियां मेरी उपकरण है, मैं जान रहा हूं अंततः, मैं जानने वाला हूं। चलो तो इंद्रियां नहीं जान रही हैं, नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। फिर मन बुद्धि, मन बुद्धि को तो कहा जाता है कि मन बुद्धि से पता चलता है, मेरी बुद्धि बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, मन बड़ा कुशाग्र है, तो मेरी बुद्धि मुझे जानती है क्या? एक सृष्टि का सबसे गहन प्रश्न पूछो, एक दो मिनट मौन भी हो जाओ, मैं ये प्रश्न पूछता रहूंगा, आप अपने अंदर इस प्रश्न को पूछो, क्या जिसे बुद्धि कह रहा हूं, मेरी बुद्धि, मेरा मन, जो मेरा मन सुखी है और मन दुखी है, ये तो मैं जानता हूं, मेरा मन नहीं जानता है स्वतः को, मैं जानता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरा मन सुखी है या दुखी है, और मेरी बुद्धि कुशाग्र है कि मंद बुद्धि है, ये कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। अब बुद्धि मुझे जानती है या नहीं जानती है, सोचो, प्रश्न पूछो, क्या मन और बुद्धि भी, जो मेरे अंदर जो मैं है, जो देखने वाला अनुभूति करने वाला है, अपनी बुद्धि को लगाओ कि देखो मुझे देखो, जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है कौन? मैं कर रहा हूं प्रकाशित, मेरे बिना बुद्धि का कहां अस्तित्व है? मैं ही चैतन्य प्रकाश हूं, मैं ही प्रज्ञान प्रकाश हूं, मैं ही आत्म प्रकाश हूं, और मैं बुद्धि को भी जानता हूं, और बुद्धि के उपकरण से ये नाम रूपात्मक जगत को मैं जानता अवश्य हूं, परंतु यह जो बुद्धि और मन है, ये स्वतः तो जड़ है, इन क्योंकि जब ये निष्क्रिय हो जाते हैं या गहन स्वप्न की अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था में, तो मैं तो रहता हूं कि ये सो गए, निष्क्रिय हो गए, लेकिन मैं तो जागता रहता हूं। गहन निद्रा में भी सुबह में उठ करके मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं गहन निद्रा में सो गया था, और स्वप्न देखा तो बोलता हूं नहीं, स्वप्न ये देखा, वो किसने देखा? मैंने देखा। क्या मेरे मन ने देखा, मेरी बुद्धि ने देखा? नहीं, वहां पर तो मन बुद्धि, ये तो वैज्ञानिक सत्य है, स्वप्न तक तो मन बुद्धि का क्षेत्राधिकार है, लेकिन जो गहन डीप स्लीप जो कही जाती है, व्हेन यू से आई स्लेप लाइक ए लॉग, घोड़े बेच करके सोया, वो जो गहन निद्रा की अवस्था है, वहां पर न शरीर का बोध है, न इंद्रियों का बोध है, न मन का, न ये सब निष्क्रिय हो गए हैं, तो सुबह में कौन कह रहा है? अगर वहां कोई था ही नहीं तो कौन पूरे निश्चय से प्रसन्न होकर कह रहा है, बड़ी गहरी निद्रा ली मैंने, सारी थकान मिट गई, बड़ा आनंद आया। किसको आनंद आया? बुद्धि तो सो गई थी, मन मर गया था, इंद्रियां थी नहीं, और शरीर शव हो गया था, वहां पर मैं था महाराज, मैं था, मैंने देखा कि कुछ नहीं देखा, मैंने देखा कि मैंने कोई भी नाम रूपात्मक जगत की अनुभूति नहीं देखी। ध्यान दीजिए वाक्य पर, मैंने गहन निद्रा में देखा कि मैंने कुछ नहीं देखा। आई अलोन सो न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड दैट आई डिडंट एक्सपीरियंस नो और रियलाइज एनीथिंग ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड। मैं तो था लेकिन वहां पर मेरी बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, परंतु मैं तो जगा था। अरे मैं कब सोया, मैं कब निष्क्रिय हुआ, मैं वह ज्योतियों की ज्योति हूं।
परंतु अज्ञान के कारण स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से तादात्म्य करके मैंने ये परतें डाल रखी थी, मैंने इन्हें ही अपना मान रखा था। ये सब के सब जड़ हैं और ये गहन निद्रा की अवस्था में सब के सब मृत प्राय हो जाते हैं, फंक्शनली एंड फॉर एवरी सिंगल प्रैक्टिकल पर्पस। लेकिन मैं तो रहता हूं, मेरा जो मैं जो गहन निद्रा की अवस्था में भी बिल्कुल जगा था, और मैं दुख का साक्षी रहा हूं, मैं अपमान का साक्षी रहा हूं, मैं सम्मान का साक्षी रहा हूं, मैं होने का साक्षी रहा हूं, मैं न होने का साक्षी रहा हूं, और अभी भी दुख का, सुख का, होने का, न होने का, सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, वहीं मैं आत्म प्रकाश, वहीं चैतन्य प्रकाश हूं। अब मैं यहां अपने केंद्र पर जान गया हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, जो मेरे अंदर मैं जानने वाली सत्ता हूं। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय, जो ऋषियों का उद्घोष है कि जो देखने वाला है, ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े तक जितने जो जीव हैं, उनके अंदर जो देखने की शक्ति है, जो चैतन्य है, वही आत्मसत्ता है। देह तदात्म से वही आत्मा है, और देह तदात्म की निवृत्ति से वही परमात्मा है। उसमें कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं, कोई भिन्नता नहीं, उसके छिन्न भिन्न करने की कोई विधि विधान नहीं। और वह कौन है, वह वस्तु क्या है, वह ब्रह्म वस्तु क्या है मेरे अंदर, वह वस्तु यहाँ पर सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य आपके सामने आ रहा है। वह वस्तु जो शाश्वत वस्तु है, सनातन पदार्थ है, एकमात्र शाश्वत तत्व है, द ओनली फंडामेंटल रियालिटी ऑफ द यूनिवर्स इज आई, मैं, मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कोई सत्य नहीं है। मेरे होने से सृष्टि है, मैं नहीं तो कोई सृष्टि नहीं। मेरे जगने से सृष्टि जगती है और मेरे सोने से सृष्टि सो जाती है। सोता तो कभी नहीं हूं, व्यवहारिक अर्थ में मेरे उपकरण सो जाते हैं, सोने का स्वांग भरता हूं, लेकिन सृष्टि सो भी जाती है तो भी मैं जगता हूं। सृष्टि का विलय मेरी निर्विकल्प समाधि में जब सारे बाह्य जगत का बोध भूल गया और अपने केंद्र पर अहम अहम अहम, दुखी हो तो भी कौन दुखी, मैं सुखी, मैं वास्तव में तो मैंने मन से तादात्म किया था, तो अपने मन को मैंने मैं माना, लेकिन वह सुख और दुख और सुखी दुखी होने वाले का जो साक्षी वो मैं हूं, इसलिए मैं मन नहीं हूं। जिसे मैं देख रहा हूं वो दृष्टा कभी दृश्य हो नहीं सकता, दृष्टा और दृश्य एक हो नहीं सकते हैं। मैं अपने मन को देखता हूं इसलिए मैं मन नहीं हूं, मैं अपनी बुद्धि को देखता हूं इसलिए मैं बुद्धि नहीं हूं। यह वैज्ञानिक सत्य है। निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति भी अगर अपने बुद्धि पर जोर डाले तो यही अनुभूति में हो जाता है कि हाथ पांव आंख त्वचा अपना देख रहा हूं तो इसलिए मैं आंख देह त्वचा शरीर नहीं हूं। ये मकान देख रहा हूं तो मैं मकान नहीं हूं, ये मकान मेरा है लेकिन मैं मकान नहीं हूं। इसलिए शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये वाक्य देखिए, युग युग से निरक्षर हो या ज्ञानी हो, परंतु सबकी अनुभूति है मेरा शरीर बीमार है, मेरा शरीर स्वस्थ है। अगर मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं, पहला यहां सत्य सिद्ध हुआ, स्थूल शरीर। अब चले सूक्ष्म शरीर पर। जो मन बुद्धि है वह सूक्ष्म शरीर है। मेरा मन सुखी होता है, मेरा मन दुखी होता है, मैं तो देखता हूं। यह अनुभव मुझे होता है कि मेरा मन आज प्रसन्न है और मेरा मन आज दुखी है, तो मैं जिसे देख रहा हूं वह तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखने वाले दृष्टा और दृश्य में भेद है, दो तत्व हैं, मौलिक अनुभूत सत्य है। तो मैं अपने मन की स्थिति को देख रहा हूं, प्रतिपल देखता रहा हूं, इसलिए मैं मन नहीं हूं। इसलिए मैं न सुखी हुआ न मैं दुखी हुआ। मकान में भी स्फोट हो गया, मकान में
दरार पड़ गई, मकान गिर गया तो मैं नहीं गिर गया, मकान मालिक हूं, मैं निकल गया। कपड़ा फट गया तो मैं नहीं फट गया। उसी प्रकार से ये मन जो है दुखी हो गया तो मैं दुखी नहीं, मैं उस दुख का भी साक्षी हूं, उस सुख का भी साक्षी हूं। मैं न दुखी हूं, मैं न सुखी हूं, इन दोनों का साक्षी हूं। अतः यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं। अब तीसरा जो शरीर है, कारण शरीर, जो गहन निद्रा की अवस्था में माया का साम्राज्य होता है, जहां कुछ भी इस जगत की किसी भी अनुभूति का, किसी वस्तु का, नाम का, पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे कारण शरीर कहते हैं। यहां पर बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है यहां तत्व को समझने के लिए कि वहां कुछ भी बोध नहीं होता है। ये किसको बोध होता है? सुबह में जग करके प्रामाणिकता के साथ, चाहे वो जीवन में कख ग घ लिखना ABCD भी नहीं जानता हो, उतनी ही प्रामाणिकता से कहता है कि गहरी निद्रा आई या गहरी निद्रा नहीं आई, उसकी गवाही कौन देता है? तो मैं उस गहन निद्रा का भी साक्षी था, इसलिए मैं गहन निद्रा भी नहीं हो सकता। वह जो माया का साम्राज्य, जो गहन निद्रा, जहां पर ये संसार लय हो गया था, तो उस गहन निद्रा अर्थात कारण शरीर भी मैं हो नहीं सकता, उसका भी प्रकाशक अर्थात उसका भी साक्षी मैं था। तो मैं कौन हुआ फिर? मैं कौन हूं? मैं इन सब से अलग, इन सब का प्रकाशक, इन सब का अधिष्ठान, इन सब का कारण, इन सब का स्रोत, इन सब का आधार, मैं वह चैतन्य तत्व हूं। मैं आई 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 अहम 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 अहम। ये भाषा है अलग अलग, विश्व की हजारों लाखों जितनी भाषाएं हैं, जो मैं शब्द है, मैं विश्व का कोई प्राणी नहीं, चलो मनुष्य मात्र को भी ले लो तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, कोई भाषा नहीं जिसमें मैं शब्द न हो। मैं सुखी मैं दुखी व्यवहारिक जगत में जो बोलता है वह मैंने खाया मैंने नहीं खाया, मुझे नौकरी मिली मुझे नहीं मिली, मैं सन्यासी हूँ मैं गारहस्थ हूँ, जो मैं नित्य उपस्थित जो मैं है वही ब्रह्म है, वह पदार्थ है अपने अंदर, जो मेरे स्थूल शरीर का साक्षी है, मेरी इंद्रियों का साक्षी है, मेरे सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि का साक्षी है, मेरी गहन निद्रा में कारण शरीर का भी साक्षी और प्रकाशक कौन है? वह मैं हूँ। वही मैं जो मेरा सबसे अलग है, ये स्पर्श नहीं कर सकते, मैं इन्हें प्रकाशित कर सकता हूं, मुझे ये प्रकाशित नहीं कर सकते। मैं सूर्य का भी प्रकाशक हूं, मैं चंद्र का भी प्रकाशक हूं, मैं सितारों का भी प्रकाशक हूं। मेरे प्रकाश की अनुपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सिद्धि नहीं हो सकती। मैं चैतन्य प्रकाश के अधिष्ठान में ही, मेरे जगने से ही, मेरे होने से ही सूर्य चंद्र अनंत जगत की सिद्धि होती है। इसलिए मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, मैं परम ज्योति हूं। वह परम ज्योति स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, वही वस्तु वही पदार्थ अहम अहम अहम, मैं आई आई के रूप में, अज्ञान के कारण जिसे भ्रम हो रहा है कि मैं जब कह रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, अभी तुमने विवेक पूर्वक जो अनुसंधान किया कि मन तुमसे बिल्कुल अलग है, मन के तुम दृष्टा हो, शरीर के दृष्टा हो, इंद्रियों के दृष्टा हो, सुषुप्ति के भी दृष्टा हो, इसलिए अवैज्ञानिक तत्व हो गया। जिसे मैं देख रहा हूं वो मैं हो नहीं सकता हूं। मैं बट देख रहा हूं, वृक्ष देख रहा हूं, नदी देख रहा हूं, पर्वत देख रहा हूं, सूर्य देख रहा हूं, चंद्र देख रहा हूं, इसलिए इनमें से मैं कोई नहीं हूं। इसलिए मैं शरीरों का भी साक्षी, शरीर के अंग प्रत्यंग को देख रहा हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। इन सब का साक्षी चैतन्य, चैतन्य आत्मा हूं। और वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है, भगवान योगेश्वर कृष्ण का भी उद्घोष है, भगवद गीता में 13वें अध्याय में दर्जनों श्लोकों में उद्घोष है। एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं,
ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमसः परमोच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। सच्चिदानंद ने जो कुछ आपके सम्मुख रखा, शब्द इसके थे, भाषा इसकी थी, जो सत्य कहा वह योगेश्वर कृष्ण के हैं, हजारों ऋषियों के मनीषियों के हैं, इसका प्रमाण आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है उसका ये श्लोक है, इसका भावार्थ करूँगा और इसी की व्याख्या की, और उसके बाद आप जाएंगे, प्रयास करेंगे अपने उस अहम तत्व जो ब्रह्म यहाँ है उसमें प्रतिष्ठित होने, उसका आलिंगन करने, उसमें विलीन हो जाने, क्योंकि दो वहाँ पर है ही नहीं। जिस क्षण वह अहम का बोध हो जाए वही परम दर्शन है। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण, ज्योतिषामपि तत् ज्योति, समस्त ज्योतियों की भी जो ज्योति है, तमसः परमुच्यते, जहां अंधकार का कहीं कोई कणिका मात्र भी असंभव है। अरे इस जगत में जो सौर लोक कहलाता है, सोलर मंडल, यहां तो रात होती है, यहां तो तमस होता है, सूर्य 12 घंटे रहता है, 13 घंटे कभी कभी ऋतु के अनुसार, लेकिन रात तो आती है, परंतु मैं वह आत्मदिनेश हूं, मैं वह ज्योति पुंज हूं जिसमें कभी भी रात नहीं होती। तमस का तात्पर्य गहन है, जहां अज्ञान तमस अंधकार कभी नहीं होता, वह प्रज्ञान घन मैं हूं, वह ज्योतियों की ज्योति आत्म ज्योति मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, तमसः परमुच्यते, समस्त तमस, समस्त अंधकार, समस्त दुख से परे वही कहा जाता है, वही ज्योति है। और कहाँ है, ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य वेष्ठितम्। वही ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम्, तीनों वही है, अज्ञान के कारण त्रिपुटी भेद हो गया। वही ज्ञाता जो बोला दृक् ब्रह्मेत, जो देखने वाला है वह ब्रह्म है, वही कृष्ण कह रहे हैं ज्ञाता सभी जीवों के अंदर, जो ज्ञाता है वही परम ज्योति है, ज्ञाता ज्ञेयम् और वही जानने योग्य है। यहां तात्पर्य है जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म निष्ठा, आत्मबोध जो कहते हैं, वह परम तत्व है जिसे जान लेने के पश्चात कुछ भी जानने को नहीं रहता, वह ब्रह्म है। इसलिए एकमात्र ज्ञेय पदार्थ वही ज्ञाता ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम्, वह बोध से, ज्ञान से, जो मैंने कहा ज्ञान चक्षु से जाना 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 जाता है, चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान से ही, और क्योंकि वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम् ब्रह्म, वह प्रज्ञान तत्व है जो नित्य अहम 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 वृत्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है जीवों के अंदर। अज्ञान के कारण वह नहीं जानता है कि ये जो अहम है, ये शरीर नहीं, ये अंग नहीं, ये मन नहीं, वह शाश्वत निर्गुण निराकार अहम का आकार ढूंढो, अपने अहम का, अपने मैं का आकार ढूंढो, किस अंग में है, काला है, गोरा है, दुखी है, सुखी, ढूंढो ढूंढो उस निराकार को, कहीं पर ना मिलेगा, कहीं पर ना मिलेगा। रमन महर्षि के शिष्य और योग वशिष्ठ और उपनिषदों में तो विधि तो वहां पर है, जो अनुसंधान करते हो कोहम कोहम विधिवत जब करते हो, किसी अगले दिन करेंगे, तो वहां पर जब सब निषेध हो जाता है तो जो उत्तर शब्द में नहीं मिलता है, जो बच जाता है वही अहम है, वही मैं ही बच जाता हूं। और मैं आकार है कोई, अंग है कोई नहीं, वह प्रज्ञान गण है, वह चैतन्य ज्योति है, वही ज्ञान स्वरूप है, उसी की ज्योति में मेरे कान सुन रहे हैं, उसी ज्योति प्रकाश में मेरी आंख रूप देख रहे हैं, और समस्त मेरी, मेरे शरीर और समस्त सृष्टि क्रियाशील हो रही है, जो मेरे शरीर के अंदर मेरी इंद्रियों को सक्रिय कर रहा है, वही ब्रह्मांड के कण 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 में एक ज्योति जो है, वह परम तत्व है, परम सत्य है। और कहाँ है, हृदि सर्वस्य वेष्ठितम्। योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में, हृदय अर्थात मन बुद्धि में, अंतःकरण में अभी जो ज्योति
तुम्हारे मन और बुद्धि को प्रकाशित करके सच्चिदानंद शब्द जो उच्छ्रित कर रहे हैं उनका अर्थ निकाल रही है जो ज्योति, वह ब्रह्म ज्योति है, वही आत्म ज्योति है, तुम्हें उपलब्ध है। अब आलिंगन करो, दर्शन करो, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। वही ब्रह्मनिष्ठा है, वही आत्मबोध है, वही आत्मज्ञान है। और उस ज्योति में प्रतिष्ठित हो जाने पर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, उसका साक्षात्कार हो जाने पर अहम तत्व के अनुभूति रूप में कहने से एक दिन में नहीं, लेकिन जो अहम अहम के रूप में अभिव्यक्त होने वाला जो प्रज्ञान तत्व है, वहां पर ठहर गए कि अहम अहम मैं क्या हूं भूल जाओ। अहम स्वतः में ब्रह्म है, स्वतः अहम, जहां सब सो जाते हैं लेकिन अहम जागता है जो गहन निद्रा में, वही अहम ब्रह्म है, वही दृष्टा है। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति, और बाकी समस्त तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, अवस्थाएं दृश्य हैं और जगत भी दृश्य है। ये सब माया के रचित हैं, अर्थात मन द्वारा कल्पित हैं। इनका मैंने निषेध किया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ। अब मौन हो जाएंगे और वहां जो मैं, केवल मैं का अनुसंधान करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, या प्रश्न आए तो पूछेंगे भी कि कहाँ है मैं, कौन हूं, ये मत पूछना। ये मैं जो मेरा तुम्हारा अनुभूत सत्य है, देखो कहाँ है मैं। कोई आकार है तो ढूंढो, रंग रूप है तो ढूंढो, और ये ढूंढो कि मैं कभी अनुपस्थित है क्या, कई एबसेंट कभी हो सकता है क्या, गैर हाजिर है क्या। मन तो गैर हाजिर होता है, बुद्धि तो गैर हाजिर होती है, इंद्रियां गैर हाजिर होती हैं, लेकिन उस गैर हाजिरी को देखने वाला जो तुम्हारा मैं है, वही ब्रह्म है। अब वहां पर, अब इससे सरल सहज साक्षात आसान क्या हो सकता है। 10 मिनट 15 मिनट उस परम प्रियतम से मिलो, वहीं हो जाओ। अभी अज्ञान अंधकार के कारण बोल रहा हूँ, परम प्रियतम से मिलो। तुम तो सदा मिले ही हुए हो, अपने अहम को जान लोगे, मैं को जान लोगे, वह मैं तो ब्रह्म है।
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पश्चात सभा विसर्जन के पश्चात जिसके लिए संभव है बिल्कुल मौन अवस्था में अपने कमरे में चले जाएं, समाधि में ध्यान में और परमानंद को उपलब्ध होना चाहें जो कर सकते हैं, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। ये जो अवस्था जिस अवस्था में जहाँ भी पहुँचे हैं इसके तार्किक परिणति पर ले जाना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी कोई बहुत आवश्यक कार्य है वो कर लें, लेकिन अगर संभव हो तो अपने कमरे में सीधे मौन होकर चले जाएं और वहाँ पर इसी अवस्था में बने रहें या उस अपने परम दिव्य स्वरूप का दर्शन करने का जो कि जो अंतर यात्रा पर चले थे उस यात्रा को और आगे बढ़ाएं। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी वह जो बुभुक्षा जो यहाँ लाई है उसकी परम परिणति आपको प्रदान करे। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।